Record. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ेब रूफ एंड वाचिंग फ्रीलांसिंग विद ज़ेब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो हम लोगों ने सेकंड मॉड्यूल को स्टार्ट किया उसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग को, ठीक है। और मार्केटिंग में हम लोग कुछ मार्केटिंग ऐसे टूल्स हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हमने यूज करना है और हमने मार्केटिंग करनी है अपने ब्रांड की, सही है। हम लोगों ने मार्केटिंग स्टार्ट की है, अब सेकंड मॉड्यूल में हम लोगों ने मार्केटिंग को स्टार्ट किया और हम लोग मार्केटिंग करेंगे, हम लोग मार्केटिंग करें इन सब चीजों की जो कि यहाँ पे शो हो रही है। सो हम लोग स्टार्ट लेते हैं ईमेल मार्केटिंग से, ठीक है, कि एक्चुअल में ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। और ये जो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसमें हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, आज हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग को लेके, कि हम लोग ईमेल मार्केटिंग को कैसे यूज करते हैं, कैसे कैंपेन्स बनाते हैं, कैसे ईमेल सेंड करते हैं बल्क में, ठीक है, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। तो आज हम लोग टोटली बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में, कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग यूज करते हो अपने जो आपका जो ROI जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न, जो आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसको 40 टाइम्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज ईमेल मार्केटिंग का जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें ये डिस्कस किया था कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अच्छा रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं बहुत रोल रखती है, बहुत मैटर करती है ईमेल मार्केटिंग, सही है। तो इसलिए इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, बिकॉज एक दो लेक्चर ही होंगे, मे बी आज के लेक्चर में हमारा सब कुछ कवर हो जाए, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा लेक्चर, थोड़े से टाइम में हम उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो अभी मेरे पास सामने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर शो हो रहा है, एक वेबसाइट शो हो रही है जो कि मैंने ओपन किया, जो कि आप सबको नजर आ रही है, वो कौन सी है, मेलचिंप। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स को विजिट किया था, तीन चार को तो किया ही था, पर मैंने कहा था कि हम लोग फ्री से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को कुछ इन्वेस्ट भी ना करना पड़े, ठीक है, ज्यादा आप लोगों को आप लोग पजल भी ना हो जाओ, आप लोगों को ज्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं लगे, तो हम लोग इजी स्टेप्स में स्टार्टिंग में एज अ स्टार्टर शुरू करेंगे, वो भी फ्री में। तो आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, आप लोगों ने मेलचिंप पे आ जाना है, ठीक है। मेलचिंप पे आने के बाद आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है, जैसे आप इसको ओपन करो, जैसे मैं इसको न्यू टैब में अगर ओपन करूँ तो मेलचिंप को, मेलचिंप पे आ जाते हैं हम लोग, इसको ओपन कर लेते हैं, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, इसको हमने ओपन कर लिया। और यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन अप फ्री का बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने यहाँ साइन अप कर लेना है, जस्ट वही ईमेल यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे के, और सिंपल सा मेथड है, अपना ईमेल वहां से जाके कंफर्म कर लेना और आपको जो मेलचिंप का अकाउंट है वो आपका सक्सेसफुली बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाए देन आपने वापस आना है और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड शो नहीं होगा, बिल्कुल भी एक ब्लैंक डैशबोर्ड शो होगा। अब हमने करना क्या है, अब सबसे पहले तो आपको अपनी जो ईमेल की लिस्ट है वो आपको कलेक्ट करनी है, ठीक है, आपको बहुत सारे ईमेल्स कलेक्ट करने हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, कि आप लोग कैसे कलेक्ट कर सकते हो, आप लोगों को बहुत सारे सोर्सेज और वेज बताए गए थे, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिस्ट बना ली अपनी, इमेजिन कर लो कि आपके पास 100, 200, 500 या जितने भी ईमेल आप लोगों के पास कलेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, आपने उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है और उनको मेल्स करना शुरू करना है, सही है। अब हमने उनको मेल कैसे करना है, मेल में लिखना क्या है, वो लिखना कैसे है, वो सब कुछ अभी हम देखते हैं। तो आपने कहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट के बटन पे, ठीक है, और क्रिएट के ऊपर आके अपने यहाँ पे देखो बहुत सारी ऑप्शन शो हो रही है। हमने क्या करना है, हमने ईमेल के ऊपर जाना है, सही है, हमने ईमेल डिजाइन करके और ईमेल सेंड करना है। हम यहाँ पे कैंपेन बनाते हैं और कैंपेन का यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जी, ईमेल मार्केटिंग लिख दिया, और इसको हम बिगिन करते हैं, अपने कैंपेन को स्टार्ट करते हैं जो कि हमने ईमेल मार्केटिंग में करनी है, और हमने अपने ईमेल जो हमने कलेक्ट किए हैं उनको हमने मेल करना है, ठीक है। अब हमने स्टार्ट कर दिया कैंपेन को बनाना ईमेल मार्केटिंग करते हुए मेलचिंप को यूज करने में, ठीक है, हमने मेलचिंप को यूज किया, ईमेल मार्केटिंग कर और कैंपेन को बना रहे हैं। सबसे पहले हमने कैंपेन का नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो होगा कि टू आपने मेल भेजना किसको है। सो अब मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 64 रिसिपेंट्स, सही, 64 ईमेल्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड रिसिपेंट्स पे क्लिक करना है, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे वो शो करेगा आपकी ऑडियंस, कि आपके पास कौन सी ऑडियंस है, आप उनको यहाँ पे ऐड करो, सही है। मैं अगर यहाँ पे चूज एन ऑडियंस पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑडियंस शो हो रही है जिसमें मेरे पास 64 मेरे पास ईमेल्स हैं। अब मैं कहता हूँ नहीं, मेरे पास ये ऑडियंस नहीं है, मैंने अपनी ऑडियंस चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे ऑडियंस पे आता हूँ और यहाँ से मैं अपनी ऑडियंस को चेंज करता हूँ, या ऑडियंस को मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ या न्यू ऑडियंस ऐड करना चाहता हूँ, व्यू कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे टू के ऊपर, टू के ऊपर जब आपने क्लिक किया ऐड रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज शो हो जाएगा, सही है। ऐसा पेज होने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपने जो ऑडियंस है उसको इम्पोर्ट करना है, अपने जो आपके पास ईमेल्स होंगे, जो लिस्ट होगी आपके पास, वो बहुत सारे वेज में हो सकती है, आपके पास
इंपोर्ट कर, आपके पास सीएसवी की फाइल्स हो सकती हैं, या फिर आप बल्क में अगर किसी और वे से एडिट करना, उसको ऐड करना चाहो, आप कर सकते हो यहाँ पे। अब अगर आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, तो अगर आपने गूगल फॉर्म पे कोई फॉर्म लोगों से लिया हुआ है या कहीं से भी आपने ईमेल कलेक्ट किए हैं, तो आपके पास एक सीएसवी की फाइल होगी, ठीक है। आपने इस जिस सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी जो फाइल है उसको अपलोड करना है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया सीएसवी की फाइल के ऊपर, नीचे यहाँ से कंटिन्यू करो, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसको अपलोड करो। और ये आपके जो ईमेल्स हैं उसको क्या करेगा, ईमेल्स को पिक करके यहाँ पे आपके जो ईमेल्स होंगे वो सारे शो कर देगा, ठीक है। वापस जब आप मेलचिप में जाओगे, जब आप फाइल अपलोड कर लोगे, तो सिंपल आपकी ईमेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब टू में आप लोगों ने अपने ईमेल्स ऐड कर दिए, रिसिपिएंट सेट कर दिए। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम के भाई ईमेल जाएगा किसकी तरफ से, जहाँ तो इनको हो रहा है पर जाएगा किसकी तरफ से, तो आप ऐड फॉर्म पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे अपना नेम दे दो, मैं अपना नेम देता हूँ, यहाँ से आप नेम चेंज भी कर सकते हो। मैं अपना नेम देता हूँ, तो यहाँ पे जेब्रो मैंने लिख दिया, और यहाँ से मैं अपना जीमेल एडिट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेजिन कर लो जी, हेल्प एट द रेट जेब्रो डॉट कॉम, सॉरी क्या हो रहा है, डॉट कॉम। मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया कि जिसके थ्रू मेरा ईमेल जाएगा, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। टू भी हो गया, मस्ट बी वेरीफाइड बिफोर यू कैन ऐड फ्रॉम दिस एड्रेस। अच्छा जी, वो कह रहा है कि पहले अपनी डोमेन को वेरीफाई करें। तो अगर आप इस तरह का नेम ऐड करना चाहते हैं जो कि एक एसोसिएटेड पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड आपका जीमेल होता है जो आपके आपको होस्टिंग प्रोवाइडर की तरफ से मिलता है, अगर आप उसको ऐड करते हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई आप कैसे करोगे, सिंपली वेरीफाई डोमेन के बटन पर क्लिक करो, और यहाँ से आपसे ये डिटेल मांगेगा आपकी होस्टिंग वगैरह के बारे में, ठीक है। आप ईमेल कर दो इसको, जिस पे आप लोगों ने होस्टिंग, जिस जीमेल पे आपने होस्टिंग परचेस की थी, जो आपका मेन जीमेल है, ठीक है, गूगल वाला, उसके ऊपर एक मेल जाएगा, आप उसको वेरीफाई करोगे तो यहाँ से आप वेरीफाई कर लोगे। अब यहाँ पर हम लोग एक सिंपल कोई और जीमेल ऐड कर लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ zebrof22@gmail.com। मैंने ये वाला एक सिंपल सा जीमेल ऐड कर दिया, अब मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब वो पूछ रहा सब्जेक्ट, व्हाट्स द सब्जेक्ट लाइन ऑफ दिस कैंपेन, के इस कैंपेन की सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है जी, सब्जेक्ट होता है जो आपके मेन टाइटल होता है। जब आप जीमेल को ओपन करते हो तो आपके पास एक एक लाइन शो हो रही होती है बोल्ड में, ठीक है, एक लाइन होती है जिसमें सब्जेक्ट लिखा होता है, वो सब्जेक्ट लाइन देके आप लोग उस ईमेल को ओपन करते हो। तो ऐड सब्जेक्ट के बटन में हम क्लिक करें, और यहाँ से आपने सब्जेक्ट ऐड कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट रेडी टू बिकम अ प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज कर दिए, एक सेंस नहीं बनती लेकिन कोई नहीं, खैर है। गेट रेडी टू बिकम अ प्रोफेशनल ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट, साथ में आगे कोई अगर आप इमोजी लगाना चाहो इमोजी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैंने कर दिया। अब वो पूछ रहा था स्निपेट विल अपीयर इन द इनबॉक्स आफ्टर द सब्जेक्ट लाइन। अब ये है प्रीव्यू टेक्स्ट, ये जब आप ओपन करते हो किसी जीमेल को, तो एक तो मेन हेडिंग होती है, उसके नीचे एक छोटी लाइन और भी होती है, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्रीव्यू टेक्स्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं इज अ चांस फॉर यू इफ यू वांट बिकम अ ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन नो टाइम, जस्ट ओपन द लिंक कॉन्टेक्ट विद अस। चलो जी, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख दी, छोटी सी लिख दी, अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया प्रीव्यू टेक्स्ट। अब मेन चीज पे आते हो जो कि हमारा कंटेंट होने वाला है। अब आपने समटाइम देखा होगा कि आपको ईमेल आता है, एक टेम्पलेट बनी होती है, एक लैंडिंग पेज बना होता है, बड़ा ब्यूटीफुल सा, उसमें इमेजेस होती हैं, कलर कोडिंग होती है, और उसमें लिंक्स भी होते हैं, तो सब आपका क्लिक भी करते हैं, यार वाकई ईमेल अच्छे है, तो उसको ओपन करने के करके देखते हैं इसमें होगा क्या। तो यहाँ पे अब हमने अपना कंटेंट को एडिट कर लेते हैं, अब डिजाइन ईमेल पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अपने कंटेंट को ऐड करना है, ठीक है जी। अब हमने अपने कंटेंट को कैसे ऐड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या अपने लोग कस्टमर्स को जो भी हैं जिनको आप ईमेल भेजना चाहते हो उनको दिखाना चाहते हो। पर आप क्या करो, आप बेसिक जो बिल्कुल भी ये वाली चीजें हैं ना, प्रीमियम इनकी तरफ ना जाओ अभी, ठीक है, ये पेड भी है कुछ भी है, ये वाली पेड है सॉरी, लेकिन आप इनकी बेसिक की तरफ आओ। यहाँ पे आप सिंपल सिंगल इमेज वाला जो भी आपको अच्छा लगे एज अ स्टार्टेड, आप उसको चूज करो, उसको अपना मेल करना स्टार्ट करो, ताकि प्रीमियम लुक लगे। ज्यादा आपने ज्यादा ना तो टेक्स्ट लिखना है, ना तो ज्यादा इमेजेस ऐड करनी है, ताकि प्रोफेशनल लुक लगे, जैसे इमेल्स होते हैं जो आपने देखे होंगे।
अभी आप पे डिपेंड करते हो और आपकी क्रिएटिविटी कि आप किस तरह से अपने एक अच्छे से टेम्पलेट को डिजाइन करते हो। वाह भाई, इसने पहले मेरी इमेज कर ली। ये वाली वैसे टेम्पलेट मैंने चूज नहीं की है, हम लोग कोई और टेम्पलेट चूज करते हैं। लेआउट्स में आते हैं और फुल विड्थ को देखें तो चेंज करें हम टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को चूज करके देखते हैं, इसने भी वैसे ही दिखाना है थिंक। ओके सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से सारी चीजों को पहले डिलीट कर देते हैं। मैंने अपनी इमेज डिलीट कर दी, ठीक है। और कंटेंट आप अगर आप डिलीट करना चाहो आप डिलीट भी कर सकते हो, पर हम नहीं करते, हम इसको जस्ट एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करो, अब यहाँ पे आ गया इट्स टाइम टू डिजाइन योर ईमेल। हम यहाँ पे लिख देते हैं वांट टू बिकम एन ईमेल ईमेल, ये एन के साथ ये आता है ना, ये के साथ एन आता है, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है जी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वांट टू बिकम एन ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड ग्रामरली जिंदाबाद। टेंशन ही नहीं, वांट टू बिकम एन ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख दिया। अब नीचे यहाँ पे आप कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो अभी आप लिख सकते हो। अगर आप भी ईमेल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी इस लिंक पर क्लिक करके हमसे रब्ता करें या हमारा कोर्स ज्वाइन करें और एक अच्छे ईमेल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बने। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अगर आप ये ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लिखना चाहता था मैंने लिख दिया। बाकी रेड लाइन तो देनी है बिकॉज ये मैंने अपनी रोमन इंग्लिश में लिखा है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं जैसे आप लोगों को बताने के लिए लिखा है। अगर आप नीचे आ गया यहाँ पे डब्ल्यू यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस थ्रू THR थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू वांट टू कॉन्टेक्ट, नीचे आप लगा दो हियर गो। ठीक है, ये लग गया, इसको अब रिमूव कर दो। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी लिखना था, मिस्टेक हुई प्लेटफॉर्म, बस ये मिस्टेक्स खत्म, कोई इशू नहीं है। अब आ जाओ अपने लिंक्स की तरफ, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से अपने जो सोशल मीडिया के आपको जो लिंक्स है आप वो दे दो। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है लिंक्स की, शायद अगर मुझे मिल जाए तो। ये पड़ी है? नहीं, ये पड़ी नहीं। माय सोशल मीडिया के लिंक्स ये पड़ी है। ट्विटर, ट्विटर को पिक पिक करो और यहाँ पे ट्विटर ऐड कर दो लिंक का टेक्स्ट। देन उसके बाद वापस इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में आओ और इंस्टाग्राम यहाँ पे दिए, उसने पूछा ही नहीं इंस्टाग्राम का, मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ। फेसबुक का पूछ रहे हैं आप, यहाँ पे फेसबुक का अपना प्रोफाइल का दे सकते हो, अपने पेज का दे सकते हो, मैंने अपने पेज का दे दिया। देन वो वेबसाइट पूछ रहे हैं और वेबसाइट मेरी यहाँ पे, मैं ये वाली वेबसाइट दे देता हूँ, चल कोई भी नहीं रही। ओके, ये वेबसाइट मैंने दे दी। एंड देन अगर आप कोई और भी सर्विस ऐड करना चाहते हो तो ऐड अनदर सर्विस पे आओ, ठीक है। यहाँ से अगर अपना ईमेल देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे ईमेल दे दिया, ठीक है। उसके बाद ऐड अनदर सर्विस पे आओ, RSS फीड देना चाहते हो या फिर आप यहाँ से कुछ भी ऐड करना चाहते हो, यूट्यूब का चैनल ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से यूट्यूब के चैनल के लिंक को कॉपी करो और यहाँ पे आके लिंक के टेक्स्ट पे पेस्ट कर दो। ऐड अनदर सर्विस पे आप, और भी बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे शो होती हैं, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, टम्बलर वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। पर मैंने अभी यहाँ पे पांच सर्विस दे दी, ये दे दी। उसके बाद आपने आ जाना इस चीज़ के ऊपर, ये बहुत मेन चीज इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। इसके ऊपर आके यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी चीज़ों को एडिट करना है। जैसे अब यहाँ पे लिखे कॉपीराइट करंट ईयर, करंट ईयर को आपने रिमूव करके यहाँ पे लिख देना 2020, जो कि करंट ईयर चल रहा है। लिस्ट या कंपनी में यहाँ पे आपने ऐड कर देना है जो आपका कंपनी का नेम है, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्रीलांसिंग विद वेब, मैंने ऐड लिख दिया। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, इन्फो नॉट आर्काइव पेज लिस्ट डिस्क्रिप्शन, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हो लिख दो, अदरवाइज इसको रिमूव कर दो। पर कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है सोच समझ के। और मेलिंग एड्रेस, ठीक है, और मेलिंग एड्रेस HTML, यहाँ पे अब आप क्या करोगे, अपना एड्रेस दोगे। मैं यहाँ पे एड्रेस देता हूँ zebrof22@gmail.com एंड इफ को हम डेल कर देते हैं। और यू कैन वॉन्ट टू चेंज हाउ यू रिसीव दिस ईमेल्स। अब यहाँ पे जो हमें दिख रहा होता है कि अगर हम कहीं पे क्लिक करें कि भाई ईमेल का अनसब्सक्राइब करना है नहीं करना, कुछ भी, बाकी ये चीज़ें आप रहने दो, खैर इसकी अच्छी मेरी बात वगैरह।
अब ये हमारे पास बन गया। अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए हम स्टाइल में आते हैं, या सॉरी इसको सेव एंड क्लोज कर दो। अब यहाँ से इमेज को चूज करते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज को ऐड कर देते हैं। अब वो कहते हैं इमेज चूज करो, तो यहाँ से मैं इमेज चूज कर लेता हूँ जी। इमेज मैंने ऐड कर रखी यहाँ पे, इस इमेज को मैंने इंसर्ट कर दिया, ये इमेज लग गई। देन वो पूछता है ड्रॉप कंटेंट बॉक्स है, अगर आपने और भी कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं और भी कोई इमेज ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई मसला नहीं है, वैसे अपना ईमेल है, जितना से मर्जी पंगे लो। अपलोड, और यहाँ से देख लेते हैं अगर कोई अच्छी सी इमेज अगर मिल जाए तो। ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में चलो जी ये दे दी, इमेजिन ही कर रहे हैं ना हम लोग, ये हमने इमेज दे दी और यहाँ से भी इमेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। इमेज सेलेक्ट हो गई, हम इसको इंसर्ट कर देते हैं सिंपली। अब यहाँ पे हमारी दो इमेजेस लग गई, सही है। आप इमेजेस को इसको आप स्क्रो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप नीचे भी लेकर आ सकते हो, जहाँ पे आपको दिल करे। आप देख लो ये अब आपकी एक ईमेल की जो टेम्पलेट है ना, वो डिजाइन हो गई। ये एक बेसिक से हमने डिजाइन की है, सही है, जिसमें हमने जस्ट अपना यहाँ पे लोगो बहुत बड़ा हो गया, खैर है। उसके नीचे यहाँ पे मैंने एक और ग्राफिक ऐड कर दिया, नीचे मैंने यहाँ पे कुछ छोटी थोड़ी सी बातें लिख दी, सही है। इस तरह से आप भी लिख सकते हो, आप भी ऐड कर सकते हो। यहाँ इसको हम इतना रखते हैं और इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना एक अच्छा सा टेम्पलेट बनाओ, ठीक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, देन यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की या कोई कोई भी चीज़ उसको सेल कर रहे हो उस पर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे उसकी इमेज ऐड करो। इमेज ऐड करने के बाद आप स्टाइल में आओ, उसका बॉर्डर वगैरह आप देना चाहते हो कुछ कुछ भी बॉर्डर वगैरह दे दो। सेटिंग्स में आके उसके अलाइनमेंट सही कर लो, कंटेंट में आ जाओ, सेव एंड क्लोज कर दो। और यहाँ से अगर आप इस पर कोई लिंक देना चाहते हो, इससे एडिट करो सर डायनेमिक कंटेंट। ओ एक्चुअली में अपग्रेडेबल है, सो सॉट ऑफ बिग डील। यहाँ पे आप देखो लिखा है इमेज कार्ड, अगर आप इमेज कार्ड ऐड करते हो, या फिर आप सोशल फॉलो का बटन ऐड करते हो, या फिर आप सिंगल कोई बटन ऐड करते हो, जैसे यहाँ पे बटन में, यहाँ पे बटन ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे लिखा है बाय नाउ, ये सोशल मीडिया का मैंने ऊपर ग्राफिक दे दिया, नीचे मैंने बटन ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनरोल इन दिस कोर्स, ठीक है, एनरोल इन दिस कोर्स। यहाँ पे अगर मैंने अपना कोई लिंक कर देना, मैं लिंक दे दूंगा। तो इस तरह से आप अपना एक ब्यूटीफुल सा एक टेम्पलेट डिजाइन करके, वो कहता है लिंक दो, लास्ट में दो, मैं नहीं देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ब्यूटीफुल सा एक टेम्पलेट डिजाइन करो, जब आपका टेम्पलेट कंप्लीट डिजाइन हो जाए तो आप इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। तो आपने कंटिन्यू कर लिया इसको, और अब हमारे सामने सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब हमारा एक काम रहेगा जो कि हमने इनको शेयर करना है, ठीक है। शेयर कैसे करना है, टू हो गया, फॉर्म हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया। अब वो पूछ रहा है, वही ऑटोमेटिकली ऐड रिक्वायर्ड रेफरल बैज टू योर ईमेल फूटर। अब देखो हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना सोर्स छोड़ना ही है हमारे ईमेल के में, कि भाई इन्होंने ईमेल चिंप को यूज किया है। तो खैर इट्स प्रीटी इजी, अगर आपका टेम्पलेट अच्छा है, आपका ईमेल अच्छा है, तो लोग वहीं से आपके जो मेन पेज है वहां तक पहुंच जाएंगे, नीचे आएंगे नहीं वो देखने के लिए। अभी यहाँ से यहाँ पे इस तरह का व्यू दे रहे हैं हमें, थोड़ा सा खराब था, पर इस तरह है नहीं एक्चुअली, है अच्छा, अच्छा व्यू है। तो इसको हम करते हैं जी अब सिंपली सेंड के बटन पर क्लिक, और अब ये जो है ये आप लोगों को पहुंचने वाली है, क्योंकि इसमें जो मैंने ईमेल ऐड किए वो आप लोगों के ही किए हैं। अब आप लोगों को ये रिसीव होगा, आप लोग देखो कि आप लोगों को कैसा रिसीव होता है, और थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ईमेल मार्केटिंग विल गो शॉर्टली, व्यू और शेयर योर कैंपेन, ट्रैक परफॉर्मेंस। आप इनको मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, और कितना आपको इसका जो रेवेन्यू है वो मिल रहा है। आपको रेवेन्यू मिल के भाई कुछ ना कुछ तो अब आपको मिलेगा ही ना। लाइक अगर आपने 64 लोगों को भेजा है एक ईमेल, तो कितनों ने ओपन किया, कितनों ने फॉर्म फिल किया, कितनों ने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया, ये सारी चीजें आपको आप इसके ऐप में ओपन हो जाएंगी। लास्ट ईमेल भी मैंने इस तरह का एक सेंड किया था आप लोगों को, जिसमें 17% मुझे ओपन मिले थे, क्लिक्स मिले थे, मे भी आप लोगों को आया होगा। अच्छा ये हो गया, हमारी कैंपेन पहुंच गई आप लोगों के पास। अब यहाँ पे आप व्यू और शेयर भी कर सकते हो, ये आपकी कैंपेन है, ठीक है, इस तरह से शो होती है। अब मैं जीमेल में जाता हूँ, देख दो कि हमारी कैंपेन हमें रिसीव हुई है कि नहीं हुई, इस तरह से हमारा ईमेल जो है वो शो होता है। और ये हम आ गए कैंपेन में, और यहाँ पे शो होगी भी कैसे, मैं अपने जीमेल से कर रहा हूँ। खैर थोड़ा सा टाइम लेगी, और ये आप हमारी जो ये जो ईमेल है ये हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी, सही है।
शो हो गई तो फिर आप अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ पे जो इसकी जो आप लोगों के पास परफॉर्मेंस है कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपको, कितना रिजल्ट मिल रहा है, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, जो कुछ भी आप देखना चाहते हो वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, सो ये तो था कि हम लोगों ने देख चेक किया कि आप लोग मेलचिम को यूज करते हुए कैसे बल्क ईमेल सेंड कर सकते हो, और अच्छी सी कैंपेन भी डिजाइन कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट्स को भी इम्पोर्ट कर सकते हो। सही है, बाकी अब अगली वीडियो में हम लोग फर्दर इसको स्टडी करेंगे। ओके जी, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।